हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे नाउन नंबर एंड लेटेस्ट ग्रामर। नाउन नंबर ओनली काउंटेबल नाउन है प्लूरल नंबर्स। प्रॉपर नाउन एक्सेप्शनली काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे सुधीर श्याम। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल बनाया जाएगा, जैसे टीचर, बुक्स, पेन। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल बनाया जाएगा, जैसे क्लास का क्लासेज। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसमें मटेरियल होता है उसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, जैसे मिल्क, वाटर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, हेट, जॉय, ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, इसका इसलिए इनका प्लूरल भी नहीं। ओनली काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल नंबर्स। सिर्फ काउंटेबल नाउन को ही प्लूरल नंबर में चेंज किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नंबर में चेंज नहीं कर सकते। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे सुधीर। सुधीर काउंट किए जा सकते हैं, सुधीर किसी का नेम है, नेम को काउंट कर सकते हैं, लेकिन किसी के नेम को प्लूरल नहीं बना सकते। प्रॉपर नाउन एक्सेप्शनली काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल सुधीर, श्याम, मोहन, ईटीसी। सेकेंड है कॉमन नाउन, एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल बनता है। इनका प्लूरल बनाया जाएगा, कैसे? जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में टीचर, बुक, पेन, ईटीसी। कलेक्टिव नाउन में जैसे क्लास, टीम, ईटीसी। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन,
मटेरियल नाउन जैसे मिल्क, वाटर, ईटीसी। मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, हेट, जॉय, ईटीसी। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, हेट, जॉय ये फीलिंग्स हैं और ये पदार्थ हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल में चेंज नहीं होता है। नहीं बनेगा या नहीं बनता। हेयर वी कैन सी लेटेस्ट ग्रामर। अब तक हमने देखा था मॉडर्न ग्रामर और अब हम देखते हैं लेटेस्ट ग्रामर। लेटेस्ट ग्रामर प्रॉपर नाउन, ये एडजेक्टली काउंटेबल नाउन है लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं वो कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन, जैसा कि नेम से ही स्पष्ट होता है, काउंट मीन्स गिनना, एबल मीन्स योग्य, जो कि गिनने के योग्य हो वो किस में आता है? काउंटेबल नाउन में आता है, जिस नंबर को हम गिन सकें, जो नंबर गिना जा सके, जैसे पेन, पेन पेन को हम काउंट कर सकते हैं, वन पेन, टू पेन, इस तरीके से। तो ये हमारा पेन किस में आएगा? काउंटेबल नाउन में। चेयर, चेयर को काउंट किया जा सकता है, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, बुक, बुक को भी काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, काउंटेबल गिनने योग्य, अन लग गया यहाँ पर प्रीफिक्स अन, अन जो लगा है इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ नहीं होता है, यानी कि जो गिनने के योग्य न हो, जिसे गिना ना जा सके। विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, जिनको नंबर्स में काउंटेड नहीं किया जा सकता, जैसे सुगर, वाटर, एयर, लव, हैव, मर्सी, हेट, ब्यूटी, ईटीसी। ये सभी हमारे किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। आइए अब देखते हैं नाउन नंबर कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ नाउन नंबर। फर्स्ट, जैसा कि फर्स्ट सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर व्हेन अ नंबर इज वन इन नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, यानी कि कोई चीज सिर्फ एक नंबर में काउंट की जाती है, जैसे पेन, ये एक ही है इसलिए इसे अकेले ही काउंट करेंगे, सिर्फ एक पेन, तो ये किस में आएगा? सिंगुलर नंबर में। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल पेन, सिटी, मैन, एक पेन, एक शहर, एक आदमी, एक बैल, ईटीसी। प्लूरल नंबर व्हेन अ नंबर इज मोर देन वन इन नंबर इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, जब कोई चीज एक से ज्यादा संख्या में होती है तो उसे डबल काउंट करते हैं। जब डबल काउंट करते हैं, जब कोई चीज एक से ज्यादा संख्या में, दो या दो से अधिक संख्या में होती है तो उसे प्लूरल नंबर में काउंट किया जाता है, बहुवचन में। जैसे पेन, ये कितने हैं? टू, वन टू, तो इन्हें क्या बोलेंगे? पेन्स, पेन्स बोलेंगे, यानी कि दो कलमे, दो पेन, तो ये पेन्स किस में आएगा? प्लूरल नंबर में, ये हो जाएगा बहुवचन, बहु यानी कि अनेक, दो या दो से अधिक, तो वो किस में आता है? प्लूरल नंबर में। सिटीज, शहर, मैन, एम एन एक और एम एन बहुत, यानी कि एक आदमी और बहुत से आदमी। प्रकार से हम नाउन नंबर को
पहचान सकते हैं कि नाउन नंबर में जो सिंगुलर नंबर होते हैं उनमें एक वचन में सिर्फ एक ही चीज काउंट होती है, और प्लूरल नंबर होते हैं जो कि बहुवचन में दो या दो से अधिक चीजें काउंट की जाती हैं। हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर इन प्लूरल नंबर, किस प्रकार से सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं, आइए देखते हैं उनके कौन कौन से तरीके हैं। वेज टू चेंज अ सिंगुलर नाउन इन प्लूरल नाउन, यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट है सिंगुलर, सिंगुलर जैसे कोई बर्ड दिया हुआ है सिंगुलर, अब हम इसको देखते हैं इस बर्ड के लास्ट लेटर आर, आर से शुरुआत करते हैं, यानी कि किसी वर्ड के लास्ट लेटर, लास्ट लेटर मतलब आर दिया हुआ है तो आर की जगह पर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड में ई एस एड कर देने पर हमारा प्लूरल नंबर बन जाता है, यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर ये लेटर दिए हुए हों तो उनमें ई एस जोड़ देते हैं, तो जब ई एस जोड़ देते हैं तो हमारा प्लूरल नंबर बनकर रेडी हो जाता है। जैसे बस बी यू एस, इस वर्ड के लास्ट में कौन सा लेटर दिया हुआ है एस, तो एस में हमने क्या जोड़ दिया ई एस, ई एस जोड़ दिया तो क्या बन गया बसेज, बसेज हमारा प्लूरल नंबर बन गया। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं जब एस दिया हो तो। गैस जी ए एस, इसमें ई एस जोड़ दिया तो गैसेज, सी एल ए डबल एस क्लास क्लास क्लासेज ग्लास ग्लासेज। ब्रश अब यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो था सिंगल एस, ये हो गया नीचे डबल एस, अब एस एच एस 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 एच वाला वर्ड कौन सा है हमारा ब्रश, बी आर यू एस एच, लास्ट में एस एच दिया हुआ है तो हम क्या जोड़ देंगे इसमें ई एस, डी आई एस एच डिश डिस डिसेज। अब सी एच, सी एच वाले वर्ड देख लेते हैं, इस वर्ड में लेटर क्या दिए हुए हैं बाद में सी एच, बेंच बेंच में बेंचेज, बैच में बैचेज। नेक्स्ट है एक्स, एक्स एफ एक्स, एक्स दिया हुआ है लास्ट में, एक्स लेटर में ई एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा फॉक्सेज, बॉक्स में बॉक्सेज, टैक्स में टैक्सेज, फैक्स का फैक्सेज। लास्ट है हमारा जेड, क्विज, क्विज में ई एस एड करने पर प्लूरल नंबर बन जाता है, जैसे क्विजेज, टोपेज, टोपेज में टोपेजेज, टोपेज मीन्स पत्थर होता है, क्विज का प्लूरल क्या बनेगा टोपेजेज। अब बचा ऑक्स, ऑक्स का क्या बन जाएगा ऑक्जेन, ऑक्स एक बैल, ऑक्जेन बहुत सारी बैल, इसमें ई एस नहीं लगेगा, इसमें ई एन लगाते हैं, का प्लूरल बनाने पर ई एन लगाते हैं न कि ई एस। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल बनाने में एस लगाते हैं, आइए देखते हैं वो कौन सी वर्ड हैं। जैसे इपोक, इपोक इपोक का मीन्स होता है समय। कुछ वर्ड्स जैसे सी एच, सी एच को क्या बोलते हैं क, लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में सी एच लेटर दिया हुआ है तो एस जोड़ देंगे तो उनका क्या बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा, जैसे इपोक, इपोक में सी एच है, सी एच, सी एच में एस जोड़ देंगे, जब एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इपोक्स। सेकंड दिया हुआ है मोनार्क, मोनार्क का मीन्स होता है राजा या रानी, मोनार्क में ई एस न जोड़कर एस जोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है जहाँ पर किसी वर्ड के लास्ट में सी एच दिया हुआ है तो वहाँ सिर्फ एस जोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा मोनार्क्स। नेक्स्ट है यूनक, यूनक यूनक मीन्स किन्नर, यूनक यूनक मीन्स किन्नर, यूनक का क्या हो जाएगा सी एच दिया हुआ है इसलिए यूनक्स, में एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा स्टमक्स। इस प्रकार से इन वर्ड्स में जहां पर
लास्ट में सी एच दिया हुआ होता है, वहां पर एस जोड़ देते हैं। जब एस जोड़ देते हैं तो उनका प्लूरल बनकर रेडी हो जाता है। अर्थात जिन वर्ड्स के लास्ट में सी एच लेटर्स होते हैं वहां पर एस जोड़ा जाता है, न कि ई एस। एस जोड़कर उनको प्लूरल बनाते हैं।